चक्र कुछ इस तरह का हमें मिलता है, और इसका जिक्र जो है इसको हम दुर्गा चक्र भी कहते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज का इसमें ध्यान दीजिए, अगर जो लोगों को वास्तु मालूम है या जिनको थोड़ी भी वास्तु की नॉलेज है, आप लोगों के लिए कोटा चक्र एक ऐसा यंत्र बन जाएगा कि आप इंसान का वास्तु भी इससे कर सकते हैं। ये इतना इजी है और इतना डीप आपको नॉलेज देता है। यहाँ पे अगर आप देखो कि हमारे वास्तु में भी किसी का माइक ऑन है, वो म्यूट कर लें। ओके, वास्तु में भी अगर हम देखें तो हमारी जो सब कार्डिनल दिशाएं हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि जो कॉर्नर्स बन जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उनको उनको जो है ना मेजर रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। जबकि जो मेन कार्डिनल फोर डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उनको इतना मेजर रोल प्ले करने को नहीं दिया गया है। वहां पे सिर्फ आपके द्वार बताए हैं वास्तु में। अब उस हिसाब से देखें तो इस कोटा चक्र को जब हम देखते हैं तो वो चीज जायज बन जाती है। भाई वो सही बता रहे हैं वो तो। और हम लोग जो हैं वो वास्तु भी जब करते हैं तो हम सिर्फ दिशाओं से वास्तु कर देते हैं उठा के, या हम ज्यादा से ज्यादा D1 चार्ट से वास्तु कर देते हैं उठा के, लेकिन उसके पीछे क्या स्थिति चल रही है? इस कोटा चक्र से हम बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस कोटा चक्र को सर्वभद्र चक्र पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस कोटा चक्र को दशाओं में कनेक्ट कर सकते हैं। इवन कि हम इसको केपी से कनेक्ट कर सकते हैं, वास्तु से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कोटा चक्र है अपने आप में एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है ये बहुत छोटा। इसमें आपको बहुत रूल्स उन्होंने बहुत बहुत क्लैरिफाई किए हुए हैं। इसमें आपको घूमना नहीं पड़ेगा कि भाई ये आएगा तो क्या होएगा, ये आएगा तो क्या नहीं। बहुत क्लैरिफाई रूल्स हैं, उन रूल्स को आप फॉलो करोगे, आपने कुछ नियम लगाने हैं और उसमें आपकी पूरी प्रेडिक्शन हो जाएगी। अब पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि कोटा चक्र में हमारे ये जो पांच, आप यहां से काउंट करें, नॉर्थ ईस्ट 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3, 4 और 5, लेकिन हमारे जो स्तंभ, चार पिलर कहे गए हैं, वो पहला जो बीच का जहां पे स्तंभ लिखा है वो आप खुद हो, हमारी देह है। वो फर्स्ट हाउस आप मान के चले, ये आप अपने राजा हो, मतलब अपनी कुंडली के आप जो हो कर्ता धर्ता हो, आप ही के रिलेटेड सारी चीजें घटेंगी और घटती हैं। तो जो बीच का जो एरिया है वो मेन एरिया है आपका, जहां पे आपके साथ जो चीजें घटती हैं वो आपके, और कैसे घटेंगी, किस तरह से घटेंगी, अच्छी घटेंगी, बुरी घटेंगी, ये बाकी के बाहर वाले जो रस्ते हैं वो हमें बताएंगे। महाभारत में हमें जिक्र मिलता है चक्रव्यूह का, ये उस तरह से ही कुछ बनाया गया है। अगर आप इसमें देखोगे कि पहला अंदर का हम स्तंभ कहते हैं, जो कि राजा का कोर्ट हो गया, मतलब जहां पे राजा सोता है, ये राजा का मेन एरिया हो गया। उसके बाद जो सेकंड लेयर जो आती है इसमें, वो आती है दुर्गंतरा, मतलब कि वो जो सेकंड लेयर है वो उसके एक आगे की लेयर है, कि भाई राजा का दरवाजा बंद है और उसके बाहर एक और उतना ही कोर्ट है। फिर उसके बाद जो तीसरी लेयर आती है वो आती है प्रकारा, कि भाई आपके पास तीसरी लेयर में भी आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है। चौथी लेयर आती है आपकी भाया, जो बाहर की लेयर है, जिसके बाहर फिर दुनिया स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाहर उसकी प्रजा है। तो आप ऐसे मानिए कि भाई जो बीच का एरिया है ये राजा हो गया, और जो लास्ट का जहाँ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट लिखा है, वो आपकी प्रजा हो गई, यानी वो आपके रिश्तेदार हो गए, वो आपके माता पिता हो गए। तो जो आप जो हो गए वो हो गया आपका ये पहला घर, जो स्तंभ जिसको हम कहते हैं। बाकी जो ये चार, जो तीन जो बाकी जो बचे और ये चौथा जो बाहर का बचा,
ये जो बाहर का है, ये आपकी सारी इवेंट्स और ये आपके सारे जितने भी लाइफ में आपके साथ चीजें होती हैं, रहना, खाना, कपड़े पहनना, जगह का रहना, किस जगह पे आप रहोगे, क्या पढ़ाई करोगे, आपको आपका जीवन साथी कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो बाया के बाहर वाली जो लेयर है वो वहां से डिसाइड हो जाती, और जो बाया रहता है वहां तक आपका जो एक क्लोज कोर कह लो कि भाई वो एकदम इंटैक्ट रहेगा। अब इसके अंदर हमें जो बताया गया वो इस तरह से बताया गया कि भाई आपका स्तंभ, हमेशा याद रखें कि ये जो बीच का जो एरिया है ये आपका अल्टीमेट आप तक पहुंचने का जोन है, मतलब मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स अगर यहाँ के अंदर घुस गए तो आपको डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। सिंपल सा रूल है कि भाई आपके बीच में अगर वो आ गए तो आप पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, उसके बाहर रहेंगे तो थोड़ा कम रहेगा, दुर्गान्तरा में रहेंगे तो जी तन के ऊपर जैसे चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, उसके बाद रिकवरी लंबा पीरियड चलना वैसा हो जाएगा। उसके बाद प्रकारा, प्रकारा में कि भाई कहते हैं ना, अरे हो सकता था कि मैं बड़ी चोट लग जाती मुझे, मैं इतने में ही बच गया, उस तरह से प्रकारा हो गया। बाया, बाया का क्या मतलब कि भाई सावधान हो जाओ, मैं इस तरफ चल रहा हूं, मैं अंदर आपके घुसने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, भाया में हम क्या करेंगे, रिमेडीज, भाया की तरफ जितने ग्रह आपके अंदर बाहर हो रहे हैं वहां पे आपको रेमेडी करोगे तो आप थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके मैलेफिक स्तंभ के अंदर घुस जाते हैं और फिर हम रेमेडी को ढूंढ रहे होते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम किस ग्रह की रेमेडी करें। हमें जो है वो सीधा सीधा D1 चार्ट से रेमेडीज दी जाती हैं जो कि काम कभी करती हैं और कभी नहीं करती। इस कोटा चक्र को जब आप लगाओगे उससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ग्रह मुझे तंग कर रहा है और कौन सा ग्रह मुझे तंग करने आ रहा है और मैं कैसे इसको ट्रीट कर सकता हूं। अब ऐसे ही आप ये देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, वहां से आपके ग्रह अंदर आते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट है। यहां से आपके ग्रह अंदर आते हैं और जो आपकी चार कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, जो मेन डायरेक्शंस हैं, वहां से ग्रह बाहर की तरफ जाते हैं। भाई अब एक सिंपल सा क्वेश्चन या सिंपल सा एक लॉजिक है, मान लो कि भाई किसी का राहु स्तंभ में से ये दुर्गंतरा के यहां पे खड़ा है, मान लो कि राहु किसी का सेकंड लेयर में खड़ा है ट्रांजिट में, आप में से मुझे कौन बताएगा कि वो अच्छा है या बुरा है? जस्ट टू हैव अ फेयर आइडिया कि भाई वो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। मैम, स्तंभ में नहीं है तो थोड़ा सा बेटर ही रहेगा ना। नहीं मेघना जी, राहु और केतु उल्टा चलते हैं, यानी वो या एंटर कर रहा है, बाहर नहीं एंटर, जा रहा। एग्जैक्टली या गॉट इट। तो आप लोग जो जिसके भी राहु केतु यहाँ पे इस लेयर तक पहुंच जाएं, उनको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई राहु केतु आ रहे हैं। अब राहु केतु के साथ ये भी है कि भाई क्या आपको दशा चल रही है, क्या आपके दशा वाला प्लेनेट उस नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। एक सिंपल सा रूल है जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया और मोर देन 100 कुंडलीज पे लगाया गया है वो रूल, आप भी इसको लगा के देखिएगा, आपको बिल्कुल सटीक आंसर्स आएंगे। कुछ नहीं करना, आपने अपनी अपनी कुंडली उठानी है, अपना चंद्रमा पकड़ो किस नक्षत्र में है, मान लो कि भाई आपका किसी का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र का मालिकी मून चंद्रमा होता है। अब वो चंद्रमा के घर को देखो कि भाई चंद्रमा कहाँ बैठा है और किस राशि में बैठा है, उस प्लैनेट को पकड़ो वो कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ कहाँ पड़ी हैं और आपका जो चंद्रमा है उसकी राशि कहाँ पड़ी। जिंदगी भर
आपको उन घरों का रिजल्ट मिलेगा, चाहे कोई भी दशा है, उन्हीं घर में आप घूमते रह जाओगे, उससे बाहर निकलोगे ही नहीं, बहुत हाथ पैर मारोगे, आप बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये किस्मत आप ऊपर से लिखवा के लाए। अब वही चीज को हम चेक करते हैं कोटा चक्र में, कि भाई अगर आपके मान लो 2, 8, 10 घर सारी जिंदगी के लिए आपके माथे पे लिख दिए गए, 2, 8, 10 के घर के नक्षत्र लॉर्ड्स कौन है, और वो लॉर्ड्स ट्रांजिट में गोचर में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, वो आपको पूरी जिंदगी उस समय का, इस प्रेजेंट समय का रिजल्ट आपको वो बता जाएगा। तो कोटा चक्र जो है वो ये काम करता है। तो बेसिक अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना, हमारे 4 स्तंभ हैं और हमारी इनर लेयर जो है वो हम हैं, और जो 3 लेयर्स जो बाहर की हैं वो हमारी प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, जो पांचवी जो लेयर जहाँ पे डायरेक्शंस लिखी है वहां से आपके ग्रह स्टार्ट होते हैं, आपकी तरफ बढ़ना या आपकी तरफ दूर जाना। नॉर्थ ईस्ट से ग्रह एंटर करते हैं, ईस्ट से ग्रह एग्जिट करते हैं, साउथ ईस्ट से ग्रह एंटर करते हैं, साउथ से ग्रह एग्जिट करते हैं, साउथ वेस्ट से ग्रह एंटर करते हैं, वेस्ट से ग्रह एग्जिट करते हैं, नॉर्थ वेस्ट से भी एंटर करते हैं और नॉर्थ से एग्जिट करते हैं। अब